अपने बालिका के कातिलों को भी अपने साथ बिठाए, जो गरीब आवाम के हुकूम के बात करने से खौफ ज्यादा हो गए। मरते मोहम्मद जब्बारी और फर्जंद गटर अब्दुल्ला शाह, सुन लो, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी कई सौ बेकार भट्टों की पीपल्स पार्टी। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम डरा सकोगे इस पार्टी को अली सुनारो जैसे बहादुर कारकुनों को गिरफ्तार करके, तो तुम्हें बड़ी गलत फहमी है। जिस तरह तारीख में कहते हैं कि हर चीज का मुकाबला होता है और मुकाबला सही होना चाहिए, मुकाबला आप शेर का मुकाबला कुत्ते से नहीं कराते हो, शेर का मुकाबला कुत्ते से नहीं होता है। अब्दुल्ला शाह वो भी मुकाबला तुम इधर करा रहे हो, ये शेरों की पार्टी है। क्या ये अखबारों में तुम लोग सियासतदान बन रहे हो? तुम रियासत के नौकर हो, तुम गरीब आवाम के नौकर हो, और क्या अखबारों में हर रोज तुम बयान देते हो कि हम सोच रहे हैं गिरफ्तार करने का, ये नहीं नारा में छोड़ा गया। तो ये पुलिस मोबाइल आगे पीछे जो चीज घर के पुलिस मोबाइल लगाई है, वो अगर तुम्हारे में जान दे गए तो आओ गिरफ्तार करो, मैं खड़ा हूं। आओ गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी से नहीं डरता है ना तुम्हारे CIA सेंटर से डरता है, ना तुम्हारी पुलिस से डरता है, ना तुम्हारी किसी और फोर्स से डरता है। हर रोज बात सीधी करो कि तुम्हारे में जान नहीं है, तुम्हारे में ये गैरत नहीं है कि तुम मेरे मुझे आके गिरफ्तार करो, इसलिए हर रोज तुम बयान दे रहे हो, हम सोच रहे, हम सोच रहे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। जो करना है अमल में करो, एक तरह से बयान देते कि ये फलाना दे सकते, उसी तरह से फिर हमें फोन मिला कि आप क्यों हमसे पता है, इतनी जान है तुम्हारे में, तुम्हारे वर्दी में, ये रियासत की वर्दी, अगर रियासत की वर्दी नहीं होती मैं फिर तुम्हारे चक्कर जाकर तुम्हें दिखाना तुम कौन सा पुलिस है, तुम कौन सा DIG है। मेरा हक है, मेरा चाची हक है, मैं आप कोई भी कारकुन गिरफ्तार हो जेल में जाए मैं उसका पीछे जाकर पता करूं, ये मेरा चाची फर्ज है। मेरा आईनी फर्ज भी है, आईन ने कहा है MNA MPA आवाम की नुमाइंदे, आवाम की जो शिकायत होती है तो आवाम की शिकायत के पीछे वो आवामी इलाकों में जा सकते, थानों में, अस्पतालों में और स्कूलों में। तो तुम मुझे गिरफ्तार करने लिए आओगे, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे दफ्तर से आऊंगा तुम्हें पकड़ने के लिए कर सकते। बाकी MNA MPA अगर नहीं निकलते आवाम की पूछताछ के लिए, देखभाल के लिए, इसका ये मतलब नहीं है मैं घबरा गया हूं तुम्हारी धमकियों से कि आया था मुर्तजा भुट्टो गाज के साथ और उसने वो हमें यजमान बनाया। किस किस्म की पुलिस फौज हो के मैं आया होता पांच छह लोगों के साथ दूर पे CIA सेंटर को मैं यजमान बना दिया, कौन सी तुम्हारी ताकत है? तो इन बातों से अब घबराने वाले नहीं है। और हालत जो मैंने देखी उधर CIA सेंटर में कि मैंने असला छीना, उधर कौन होश में था कि असला उठा सके हो? और अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें अली सुधारों को कोई नुकसान पहुंचाया, अगर इसका खून किया, तो याद रखो अवाम इसका फैसला करेगी, अवाम सजा देगी, ऐसी खौफनाक सजा देगी तुम्हें सख्त सफा याद आ जाएगा, दमा दम पर सड़क। यह गलती कभी नहीं करता।